Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Students, हम last time बात कर रहे थे shape of bacteria की. हमने bacteria को उसकी shape की बुनियाद पर different categories में divide किया. उनमें से तीन main categories थी. Number one, cocci, spherical shape bacteria था. Second थी हमारे पास bacilli, spindle shape bacteria था. और तीसरी थी हमारे पास स्पाइरिला, स्पाइरल शेप बैक्टीरियम थे. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये तीन मेन शेप्स हैं, लेकिन इनके अलावा भी बैक्टीरिया की शेप्स एग्जिस्ट करती हैं. उनमें से ट्राइकोम, शीथ बैक्टीरियम, स्टॉक्ड बैक्टीरियम, स्क्वेयर शेप्ड बैक्टीरिया, स्टार शेप्ड बैक्टीरिया, स्पेंडल शेप्ड बैक्टीरिया, लॉब्ड एंड फिलामेंटस शेप्ड बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करती हैं. आइए हम देखते हैं कि जो ट्राइकोम है, इसकी जो अरेंजमेंट होती है इनमें, जो सेल्स है, सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉलम. कॉलम की फॉर्म में सेल्स अरेंज हो जाते हैं इन केस ऑफ ट्राइकोम. इसी तरह स्टॉक शेप बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, ये स्टॉक की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं. इसी तरह फिलामेंटस शेप बैक्टीरिया में हमारे पास कुछ इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज द फिलामेंटस शेप्ड बैक्टीरियम. फ्रेंड्स, इन सारी डायग्राम्स के लिए हमारे पास इनका एक आउटलुक लेते हैं. शेप्स ऑफ बैक्टीरिया का हमने स्क्रीन से देखते हैं. कोकाई, बेसिलाई और अदर शेप बैक्टीरिया. कोकाई स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है, अगर ये पेयर की फॉर्म में होगा डिप्लोकोकस, और अगर कोकाई चेन की फॉर्म में होगा तो स्ट्रेप्टोकोकाई. इसी तरह कोकाई दो प्लेन्स में डिवाइड करेगा तो टेट्राहेड, थ्री प्लेन्स में सार्सिना, और अगर कोकाई रैंडमली अरेंज हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टेफाइलो कोकाई. ये स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरियम है. अब हम बात करते हैं सेकंड बेसिलाई की. रोड शेप है, इसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, डिप्लोबेसिलाई, स्ट्रेप्टोबेसिलाई, इसकी डिफरेंट शेप्स अरे एग्जिस्ट होगी. अदर में अदर शेप ऑफ बैक्टीरियम में विब्रियो, स्पाइरिला, स्पाइरोजी, ये वाले डिफरेंट शेप्स एग्जिस्ट करती हैं. ये मेन शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं. इनके अलावा ट्राइकोम, शीथ, स्टॉक, स्क्वायर शेप, स्टार शेप, स्पिंडल शेप, लॉब शेप एंड फिलामेंटस शेप बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टॉपिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, जो आज वाइंड अप हो चुका है. अब मैं आपको बताता हूं कि बुक में ये वाले जो फर्दर टाइप्स हैं ये कहां पे मौजूद हैं. फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 85 में एक येलो बॉक्स दिया गया है टॉप पे, ये वाला. इसमें बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स को के जो नाम है उनको इन लिस्ट हमने कर दिए, यहां पे इसको उन्होंने बताया गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजेला की. शेप ऑफ बैक्टीरियम के बाद स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हम आज बात करेंगे अपेंडिजेस ऑफ बैक्टीरिया की. तो बैक्टीरियल सेल से कौन कौन से अपेंडिजेस निकल रही है और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं. जिस तरह मैं कहता हूं ये मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल, इस बैक्टीरियल सेल में अपेंडिजेस निकल रही है, दैट वन. ये अपेंडिजेस हेयर लाइक, लॉन्ग अपेंडिजेस है. जो लफज अपेंडिजेस है इसका मतलब ये होगा जो बेसिक पार्ट है उससे बॉडी से अवे जा रही है, दैट इज द अपेंडिज. ये लॉन्ग हेयर लाइक अपेंडिजेस दैट इज कॉल्ड फ्लैजेला.
फ्लैजेला की बॉडी से एक अपेंडिजिस बाहर की तरफ निकल रही है, हम उसको नाम देते हैं जी फ्लैजेला का। That is the, अगर मैं कहूं कि जो फ्लैजेला है ये इसका स्ट्रक्चर कैसा, इसकी कंपोजिशन कैसी है, तो ये वाला मैं पोर्शन फ्लैजेला का, ये वाला पोर्शन हम बाहर निकालते हैं और इसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जब हम फ्लैजेला के इस पोर्शन को बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है। याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने देखना है तो उसको देखने के डिफरेंट एंगल्स हैं। आप इसको साइड से देख रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये वाला एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं टॉप से देख रहा हूँ। अब ये वाला जो मेरे पास पार्ट है मैं इसको टॉप से देख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको एक साइड से। जब इसको टॉप से देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास फ्लैजेला की जो कंपोजिशन में, जो इसकी कंपोजिशन के यूनिट्स आ रहे हैं वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। फ्लैजेला आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ए प्रोटीन दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलन प्रोटीन। ये स्टूडेंट्स इसके पास एक प्रोटीन है दैट इज द फ्लैजेलन प्रोटीन, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद है। अब यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है फ्लैजेला में वो कैसी है, कहते हैं कि जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुप्लेट हैं, 9 डुप्लेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 डुप्लेट पेरिफेरी में अरेंज हो जाते हैं, जबकि 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट हैं, ये डुप्लेट नहीं सिंगलेट सेंटर में अरेंज है। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुप्लेट पेरिफेरी में अरेंज हो जाते हैं, जबकि 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। सेंट्रल रीजन में ये अरेंज हो जाते हैं 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। यह है कंपोजिशन, और कंपोजिशन में 2 चीजें आ रही हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरी रीजन में मौजूद हैं और 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रल रीजन में जो फ्लैजेला इसके मौजूद होते हैं और उसके अंदर फ्लैजेलन प्रोटीन होती है। फ्रेंड्स यह है फ्लैजेला की कंपोजिशन और इसका स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि जो फ्लैजेला बैक्टीरियल सेल से कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, तो हम कहते हैं फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। फ्लैजेला बैक्टीरियम से बेसल बॉडी से इवॉल्व हो रहा है। ये वाला जो फ्लैजेला है हमारे पास बैक्टीरियम की पूरी बॉडी से एक स्ट्रक्चर है बेसल बॉडी, यहां से ही इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो बेसल बॉडी है इसकी कंपोजिशन क्या है। बेसल बॉडी में बेसिकली मौजूद होते हैं सेंट्रियोल और दूसरी चीज मौजूद है इसके पास स्पोर प्रोवाइडिंग प्रोटीन। ये दोनों चीजें बेसल बॉडी की कंपोजिशन है और यहां से फ्लैजेला लॉन्ग हेयर लाइक अपेंडिजेस इवॉल्व हो रही है बेसल बॉडी। फ्रेंड्स आइए हम इसके एक डायग्राम को देखते हैं। ये हमारे पास फ्लैजेला इवॉल्व हो रहा है बेसल बॉडी से, ये बेसल बॉडी, यहां से फ्लैजेला इवॉल्व हो रहा है और सेल वॉल को क्रॉस करता हुआ एक अपेंडिजेस स्ट्रक्चर बना रहा है। बेसल बॉडी से इवॉल्व हो रहा है फ्लैजेला, लॉन्ग हेयर लाइक अपेंडिजेस इवॉल्व हो रहा है बेसल बॉडी से। फ्रेंड्स जो फ्लैजेला है जिसकी कंपोजिशन माइक्रोट्यूब्यूल्स और फ्लैजेलन प्रोटीन है, इसकी बुनियाद पर बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं। बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं, तो बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया
प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, दूसरी बात फ्लैजेला की मौजूदगी की बुनियाद पर बैक्टीरिया को डिवाइड करें, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, और तीसरी बात हम करेंगे नंबर ऑफ फ्लैजेला। इन तीनों की बुनियाद पर बैक्टीरिया को हम अब क्लासिफाई करेंगे। ऐसा बैक्टीरियम जिसके पास कोई भी लॉन्ग हेयर लाइक अपेंडिजेस मौजूद ना हो, उस बैक्टीरियम को हम नाम देते हैं ए ट्राइकस का। लॉन्ग हेयर लाइक अपेंडिजेस दैट इज द फ्लैजेला, अगर बैक्टीरिया में मौजूद नहीं है तो हम उस बैक्टीरियम को नाम देते हैं जी ए ट्राइकस। इसी तरह अगर एक बैक्टीरियम में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लैजेला है तो हम उस बैक्टीरियम को नाम देते हैं मोनोट्राइकस का। यहां पे हम एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। बैक्टीरियल अगर इसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही हेयर लाइक अपेंडिजेस मौजूद है, एक ही फ्लैजेला मौजूद है, तो हम इसके नाम देते हैं मोनोट्राइकस का। और स्टूडेंट्स अगर एक बैक्टीरियम में एक पोल पर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद हो तो उसको हम नाम देते हैं लोफोट्राइकस का। लोफोट्राइकस। और अगर एक बैक्टीरियम में टफ्ट ऑफ फ्लैजेला दोनों पोल्स पर मौजूद हो तो हम उसको नाम देते हैं एम्फीट्राइकस। टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है और अपोजिट पोल्स। और अगर ऐसा बैक्टीरियम हो जिसकी होल बॉडी को, होल बॉडी सर्फेस को फ्लैजेला कवर करे, इसे हम कहते हैं पेरिट्राइकस। एट्राइकस ऐसा बैक्टीरियम जिसके पास कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है। मोनोट्राइकस ऐसा बैक्टीरियम जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्लैजेला मौजूद है। लोफोट्राइकस ऐसा बैक्टीरियम जिसके पास टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है एट वन पोल। एम्फीट्राइकस ऐसा बैक्टीरियम जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजेला दोनों पोल्स में मौजूद है। पेरिट्राइकस ऐसा बैक्टीरियम जिसमें फ्लैजेला होल बॉडी सर्फेस ऑफ बैक्टीरियम को कवर करें, दैट बैक्टीरियम इज कॉल्ड पेरिट्राइकस। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम बात करते हैं कि जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला का मेन काम क्या है। फ्लैजेला का मेन काम है लोकोमोशन। फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करता है, बैक्टीरियम की लोकोमोशन में हेल्प करता है फ्लैजेला। फ्लैजेला बैक्टीरियम की बॉडी में लोकोमोशन, फ्लैजेला बैक्टीरियम की बॉडी में मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल है। फ्लैजेला बैक्टीरियम की बॉडी में मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल है। और जब ये मूवमेंट, इसको अब ये मूवमेंट करता कैसे है इसको देखते हैं। फ्लैजेला की मूवमेंट कुछ इस अंदाज में होती है, इसे हम कहते हैं बेट लाइक मूवमेंट। और अब जब ये बैक आएगी तो इसकी डायरेक्शन और ये होगी। फ्लैजेला विप लाइक मूवमेंट के जरिए मूव करता है और इसकी मूवमेंट से बैक्टीरियम की बॉडी मूव करती है। अगला सवाल यह है कि फ्लैजेला की बॉडी ने इस साइड पे जाना है
या इस साइड पे जाना है, इसको कौन डिटरमाइन करता है? कहते हैं फ्लैजेला की बॉडी जिस साइड पे जाएगी उसको डिटरमाइन करेंगे फ्लैजेला के अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स इस साइड पे कंट्रैक्ट हो जाए तो सारे के सारे फ्लैजेला जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, और अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स इस साइड पे कंट्रैक्ट कर जाए तो फ्लैजेला की बॉडी की जो मूवमेंट होगी वो इस साइड पे आ जाएगी। इस तरह फ्लैजेला की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि किस साइड में जाना है, और फ्लैजेला बेसिकली बैक्टीरियम की बॉडी में मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक बात आ रही है कि फ्लैजेला केमिकल्स की वजह से भी मूव करता है। कहते हैं यस, केमिकल्स की वजह से फ्लैजेला की मूवमेंट को कहते हैं कीमोटैक्सिस। फ्लैजेला केमिकल्स की टुवर्ड्स केमिकल या केमिकल की वजह से मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लैजेला, जिसमें हमने देखा कि फ्लैजेला के स्ट्रक्चर कैसा है और स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, फ्लैजेला ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, और फ्लैजेला की बुनियाद पर हमने बैक्टीरिया को डिफरेंट हिस्सों में कैटेगराइज किया, इसी तरह फ्लैजेला की मूवमेंट चेक की। अब स्टूडेंट्स हम एक और अपेंडिजेस की बात करेंगे, दैट इज द पिलाई। वो फ्लैजेला की तरह इतना इलोंगेटेड तो नहीं, लेकिन सेल से बाहर निकला होता है, इवॉल्व है, फ्लैजेला की तरह एक स्ट्रक्चर है लेकिन साइज में स्मॉल होता है। पिलाई, पिलाई फ्लैजेला जिस तरह लोकोमोशन में इन्वॉल्व हो रहा था, पिलाई लोकोमोशन में इन्वॉल्व नहीं होता जबकि वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है। आइए अब हम देखते हैं हमारे पास एक नया अपेंडिज है, दैट इज द पिलाई। पिलाई की जब हम बात करते हैं, पिलाई इज द होलो, नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडिजेस, होलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडिजेस पिलाई है। पिलाई इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, कंजुगेशन दो बैक्टीरिया का आपस में जुड़ने में पिलाई हेल्प करती है। इसी तरह पिलाई की जो कंपोजिशन है, पिलाई इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन, दैट इज द पिलन प्रोटीन। पिलाई पिलन प्रोटीन से मिलकर बनती है। पिलाई का काम क्या है? कंजुगेशन, दो बैक्टीरियम को आपस में जोड़ने का काम करती है, दैट इज द पिलाई। और ट्रू पिलाई इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया की एक टाइप है, दैट इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में ट्रू पिलाई मौजूद होती है। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बैक्टीरियल सेल की दो अपेंडिजेस को डिस्कस किया। पहली अपेंडिजेस थी हमारे पास फ्लैजेला, और दूसरी अपेंडिजेस है दैट इज द पिलाई। पिलाई और फ्लैजेला में हमें जो बेसिक सिमिलैरिटी मिली कि वो दोनों ही अपेंडिजेस हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस भी है कि पिलाई स्मॉल इन साइज है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो रही है, पिलन प्रोटीन से मिलकर बनती है, जबकि फ्लैजेला लार्ज इन साइज है, फ्लैजेला प्रोटीन से मिलकर बनता है, और फ्लैजेला बैक्टीरियल सेल की लोकोमोशन का रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।